शक्ति हमें हर बीमारियों से बचाती है। हमारे शरीर को मदर नेचर ने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि हमारा शरीर हर बीमारी को खुद ही क्योर करता है। कभी सोचा है आपने कि हमारा हाथ कटता है, हमारे को हमें जो चोट लगती है, हमें बुखार होता है, हमें कोई बीमारी होती है, हम खुद ही रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। हाथ जख्म होते ही तुरंत रिपेयरिंग शुरू हो जाता है, अगले 2-3 दिन में वो अपने आप रिपेयर हो जाता है ना। हमें कोई और बीमारी होती है, अगर हम दवाई ना भी लें तो भी कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। बाकी सारे जर्म जो दवाई खाते ही नहीं, वो कैसे ठीक होते हैं? इस प्राण ऊर्जा की वजह से, इस लिविंग फोर्स की वजह से। तो लिविंग फोर्स क्या है, ये प्राण ऊर्जा क्या है, इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक नॉर्मल आलू लो, ठीक है, और एक उबला हुआ आलू लो। एक नॉर्मल आलू 10 से 12 दिन जिएगा, सड़ने में उसको टाइम लगेगा 10 से 12 दिन, और एक उबला हुआ आलू 1 या 2 दिन में सड़ के खराब हो जाएगा। तो उबालने से इसकी प्राण ऊर्जा खत्म हो गई, और एक जिंदा आलू 10 दिन तक जी रहा है। तो वैसे ही हम जो लिविंग स्टाइल अभी चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो जीवन शैली अपना रखे हैं, जो अपनी ज़िंदगी को झंड बना रखे हैं, हमारी ऐसी तैसी करके रखे हैं अपनी लाइफस्टाइल का, ना सुबह ढंग से उठते हैं, ना सनलाइट लेते हैं, ना अच्छा खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, मांसाहार करते हैं, ना जाने क्या क्या जानवर मार के खा जाते हैं यार, तो प्राण ऊर्जा खराब होगी ही ना। हम इंसानों को, हमारी बॉडी को शाकाहार के लिए बनाया गया है, हम मांसाहार के लिए वैसे भी नहीं है। और जो लोग मांसाहार करते हैं, जैसे जिम वर्कआउट करने वाले पहलवान लोग मांसाहार करते हैं, तो उसके हिसाब से फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जिससे उनका वो सारा मांसाहार पच जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, खा लेते हैं, उसको संभाल लेते हैं अपने शरीर। हम यहाँ बैठे बैठे काम कर रहे हैं अपने घर पर, मैक्सिमम टाइम मोबाइल पर लगे हुए हैं, लैपटॉप में लगे हुए हैं, और बोलेंगे जो हम खा रहे हैं वो पचा लें। भैया मांसाहार 2-3 दिन तक पेट में सड़ता रहता है, कभी सोचा है? नहीं सोचा। क्यों सोचोगे? मैं बोल रहा हूँ, अब सोचना है। बहुत सेंसिटिव टाइम है, इस टाइम पे मजाक नहीं चलेगा। अच्छे से घर पे रहो, साफ सफाई का ख्याल रखो, और अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाओ। प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं 3 शानदार तरीके बताने वाला हूँ, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया था। हमारे जब हम ये सारे गुरु जो एशियन टाइम से एक दूसरे को सिखाते आ रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा के तहत उन्होंने हमें सिखाया। वो सेफ हैं, वो स्वस्थ हैं, वो कभी बीमार नहीं होते हैं। भाई तुम बीमार होते हो, हम बीमार होते हैं, मैं नहीं हो रहा आजकल, ठीक है, तुम बीमार हो रहे हो। तो जो चीज़ हम सीखे हैं, जो हम अपने गुरुओं से सीखे हैं, आज हम आपको बताएंगे। फॉलो करना है, अपने अंदर की प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे शानदार तरीका है ये, जो 3 तरीका सबसे शानदार है, सिर्फ इतने को भी अप्लाई कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सन्यासी बन जाओ, वैसा मॉन्क बन के आप अपना काम करो, नहीं। सिर्फ 3 तरीकों को अपना लो, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी यार, खूबसूरत हो जाओगे, दिखने में अच्छे लगने लगोगे, ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। नॉट ओनली बीमारी से, सिर्फ बीमारी से बचने की बात नहीं कर रही, बीमारी से बचना मतलब माइनस से जीरो तक आना। मैं यहाँ से माइनस से जीरो तक आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीरो से प्लस तक जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमें लाइफ में प्लस में जाना है, तो हमें माता प्रकृति के करीब जाना होगा। और हम क्या कर रहे हैं? माता प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, माता प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। माता प्रकृति गुस्सा होकर अभी भेजी है, और अगर अभी भी नहीं सुधरोगे ना, तो फिर सबको लेके निकल जाएगी, फिर नया चालू करेगी। ये प्रलय से कम नहीं है भैया, अगर माँ प्रकृति चाहे तो ये प्रलय की तरह सब कुछ निपटा सकती है, ठीक है। मदर नेचर को प्लीज़ मना लो यार, अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छा साफ सफाई रखो, माता प्रकृति को साफ रखो, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, 3 तरीके मैं बताता हूँ। पहला है सूर्य स्नान। सूर्य स्नान कैसे करें? सनलाइट इज अ नेचुरल सैनिटाइजर, ये प्रकृति का सैनिटाइजर है यार। सिर्फ सनलाइट में लेटने से, सनलाइट में रहने से हमारी बहुत सारी बीमारियां क्योर हो जाती हैं, हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, विटामिन डी मिलता है, जवानी बरकरार रहती है बे, समझो। करना क्या है, जहां सूर्य की रोशनी पड़ रही है सुबह या शाम के टाइम पे, ध्यान रखना सूर्य की गर्मी नहीं लेनी है हमें, हमें सूर्य की रोशनी लेनी है, ठीक है। तो वहाँ जब जहाँ पर भी सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है, वहाँ पे कपड़े उतार कर नंगे होके लेट जाओ, नहीं नंगे होके मत लेटना, सफ़ेद कॉटन का कपड़ा थोड़ा बहुत अपने आप को ढक लो, मैक्सिमम हिस्सा को खुला रखो, खासकर वो जो जहाँ फैट है, लाइक पेट में और थाइज में, फैट वाला हिस्सा सबसे अच्छा होता है ना। हम फैट से हम परेशान होते हैं, फैटी हो गए, नहीं भैया, ये फैट कभी कभी काम भी आता है। तो उस हिस्से पर जब सनलाइट पड़ती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। आप वॉक कर सकते हो, पतले कॉटन के कपड़े पहन के वॉक करने निकल सकते हो सनलाइट पे, दौड़ सकते हो, घूम फिर सकते हो, या आराम से लेट सकते हो, योग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, इससे आपकी प्राण ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। जिम में जाके
वो मशीन वाला करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ह्यूमिडिटी होती है और वहाँ पे कोरोना वायरस बढ़ने के खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है उपवास। हाँ, मुँह सूज गया होगा, उपवास तरह तरीके से होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ दूसरा वाला है, दिन के 16 घंटे का उपवास। थिंक 16 घंटे मतलब अगर रात को 8 बजे हमने खाना खाया तो अगले दिन 12 बजे तक हम कुछ ना खाएं। उस टाइम पे हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है 6 घंटे में खाना पचा चुका होगा और बाकी के टाइम पे वो इम्यून पावर को मजबूत कर रहा होगा। उस टाइम पे हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होगा, हमारी बॉडी अंदर से साफ़ हो रही होगी, आंतें साफ़ हो रही होगी, किडनी साफ़ हो रही होगी, हमारे लंग्स साफ़ हो रहे होंगे, सारे कचरे बाहर निकल रहे होंगे। तो रोज़ कम से कम 16 घंटे का उपवास, ये सिर्फ अभी कोरोना के टाइम का नहीं, हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ यार अब। और उस टाइम पे हमारा शरीर, हमारे ये प्राण ऊर्जा मल मूत्र पसीने के रूप में हमारे अंदर की गंदगी को बाहर फेंकती है। आप खुद सोचो ना यार, हमारे घर में 2 डस्टबिन है, एक में एक साफ सुथरा रखा हुआ है, दूसरा कचरे से भरा हुआ है। मक्खी मच्छर या कोई भी इंसेक्ट्स, कोई भी कीड़े मकोड़े पहले किस में जाएंगे, सोच के देखो, ऑब्वियसली भरे वाले हैं। तो शरीर को साफ रखने की भी ज़रूरत है ना। हम अपने घर के डस्टबिन को भी धो धा के थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाते हैं ना, मम्मी से जाके पूछो तब पता चलेगा, एक चमाट मारी के समझ में आ जाएगा बात, ठीक है, ओके। तो हमें करना क्या है, अपने आप को, हमारे शरीर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। 8 घंटे के दौरान जो खाना है खाएं और 16 घंटे का कंप्लीट रेस्ट दें, इससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। सुबह 12 बजे से पहले आप पानी, नारियल का पानी या सब्जियों का जूस ले सकते हैं, फलों का रस, दूध, चाय ये नहीं लेना है, कॉफ़ी नहीं लेना है, ठीक है। 12 बजे से पहले ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, तभी आपकी प्राण ऊर्जा अच्छे से होगी। अगर ये ले लोगे तो पचाना फिर से शुरू कर देगा। ये जो पानी, नारियल पानी, सब्जियों का रस जो होता है, इसमें अपना खुद का प्राण ऊर्जा होता है, ये खुद अपने आप को ही पचा लेते हैं, ठीक है। नंबर 3, नेचुरल फूड। आपको क्या लगता है कौन सा खाना आपकी प्राण शक्ति को कमज़ोर करता है, कौन सा खाना आपकी प्राण शक्ति को मजबूत करता है? खुद सोच के देखो यार, जो पैकेटेड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, मसालेदार खाने होते हैं, ये आपकी प्राण ऊर्जा को कमज़ोर करता है, क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा को पचाने में ही पूरी मेहनत लग जाती है। और नेचुरल फूड जो मदर नेचर के जितने करीब हैं, जो डायरेक्ट मदर नेचर से आए हुए हैं, उन खानों को जब हम खाते हैं तो उनमें खुद में प्राण ऊर्जा होती है, वो खुद अपने आप को पचाते हैं, उनमें खुद में एंजाइम्स होते हैं, वो खुद को अपने आप में पचाना शुरू करते हैं, उससे हमारी प्राण ऊर्जा खपत नहीं होती, एक, और दूसरा प्राण ऊर्जा उससे जो मिलती है, दो, प्राण ऊर्जा इससे डबल हो जाती, ट्रिपल हो जाती है। यार तुम खुद सोचो हम इंसानों के अलावा कौन सा ऐसा जानवर है जो रोटी सेक कर खाता है, चावल को फ्राई करके खाता है, दाल फ्राई बना के खाता है, तरह तरह के व्यंजन तैयार करके खाता है, और ऐसे ऐसे लोग आके हमको और बनाना सिखा करके जाते हैं, ठीक। हम सेहतमंद कब होते हैं? जी लोग जो सिखाते हैं ना आपको, वो खुद अपने घर में सेहतमंद खाना खाते हैं भाई, समझे। तो मदर नेचर से जो डाइट फूड आता है मैक्सिमम वो लें, अपने आहार में 50% से ज़्यादा डायरेक्ट फूड को लें, प्रोसेस्ड फूड को कम से कम करने की कोशिश करें, उससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप हैंडसम स्मार्ट दिखोगे, आपकी उम्र कम होने लगेगी, बाल अच्छे होने लगेंगे, शरीर की पर्सनालिटी अच्छी होने, जितने ये सेलिब्रिटीज़ हैं ये क्या करते हैं, एड्स में आते हैं, हर घूट में स्वैग है, हाँ एड्स में आते, लेकिन खुद नहीं पीते भैया, खुद नहीं पीते, पूछ लो, पता कर लो। कोई भी डाइटिशनिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो आपको यही बोलेगा, भैया ये सारी चीज़ें नहीं लेनी, नेचुरल फूड लेना है, डाइट प्लान के शेड्यूल्स के हिसाब से लेना है। तो ये 3 हैबिट आपको आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगी। इन सब के साथ आपको ध्यान और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान करने से, मेडिटेट करने से सीधे कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर उतरती है, आपके सस्त्रार चक्र में उतरती है, सातों चक्रों को ऊर्जावान करती है। तो मेरा मानना है, मेरा आपसे ये गुजारिश है, जिस टाइम आप सनलाइट ले रहे होंगे उस टाइम मेडिटेट करो, लेट के मेडिटेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आसन लगाकर ही मेडिटेट करो। और इस सेंसिटिव टाइम पे जब कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है, सब लोग डरे हुए हैं, उन सब के सामने ये वीडियो को शेयर करो, उन्हें बताओ कि कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को साफ रखना।